Good morning, Class Swift. Take out your English grammar book. We are doing pronouns, and under pronouns we have learned about personal pronoun. He, she, we, they, you, it. We have learned about personal pronouns. Take out your pencil and page number 23 in your English grammar book. Okay, so we are starting the E part. We had completed till D. Underline the personal pronoun in these sentences and encircle the noun that they replace. What do you have to do? जो जो भी आपको पर्सनल प्रोनाउन दिखेगा उसे आपको अंडरलाइन करना है, और वो पर्सनल प्रोनाउन किस नाउन की जगह पे यूज हुआ है उसको आपको सर्कल करना है. ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग. लाइक एक एग्जांपल है, हरी बॉट अ न्यू बुक, ही पुट इट ऑन द टेबल. हरी एक नई बुक लाया और उसने उस बुक को टेबल पे रख दिया. तो हरी की जगह पे यूज हुआ है ही. Hari is the noun. I have circled. And Hari ki jagah pe kaun sa pronoun use hua? He. So I have underlined. Book is the name of a noun. Name of any person, place, animal or thing is a noun. I have circled. And book ki jagah pe it use hua hai. So I have underlined it. Alright. So we are starting with the first one. Deepa had done her homework. Deepa ne apna homework kar liya hai. She was studying with her brother. वो अपने भाई के साथ पढ़ रही थी. सो द नाउन इज दीपा. आई एम मेकिंग अ सर्कल. और दीपा की जगह पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो है शी. सो आई एम अंडरलाइनिंग इट. यहाँ पे और कोई नाउन नहीं है. यहाँ पे नाउन है पर मुझे सिर्फ उन्हीं नाउन को सर्कल करना है जिनके लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहा है. सो यहाँ पे सिर्फ एक ही नाउन है और उसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन शी यूज हुआ है. ऑलराइट, कम टू द सेकेंड वन. वेयर इज योर बैग अजय. अजय तुम्हारा बैग कहाँ है? हैव यू लॉस्ट इट? क्या तुमने खो दिया है? सो देयर आर टू नाउन. बैग इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग एंड अजय इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. बैग की जगह जो प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज इट. सो आई एम अंडरलाइनिंग इट. और अजय की जगह जो प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज यू. सो आई एम अंडरलाइनिंग इट. ऑलराइट, पहले यहाँ पे नाउन को सर्कल करना है और उन नाउन की जगह जो प्रोनाउन यहाँ यूज हुआ है उसे अंडरलाइन करना है. कम टू द थर्ड वन. माय फ्रेंड्स आर कमिंग टू माय हाउस. मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आ रहे हैं. दे वांट टू प्ले. वो खेलना चाहते हैं. सो माय फ्रेंड्स इज द नेम ऑफ पर्सन. सो फ्रेंड्स आर नाउन एंड फ्रेंड की जगह जो प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज दे. सो आई एम अंडरलाइनिंग इट. नाउ हाउस इज ऑल्सो अ नाउन. इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस बट यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई प्रोनाउन नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू सर्कल इट. मुझे सिर्फ उन्हीं नाउन को सर्कल करना है जिससे रिलेटेड प्रोनाउन यहाँ पर है. ठीक है, कम टू फोर्थ. डू नॉट सिट ऑन दिस चेयर. इस चेयर पर मत बैठो. इट इज ब्रोकन. ये टूटी हुई है. सो चेयर इज द नाउन और चेयर की जगह पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज इट. अंडरस्टूड? सो जो आपको फर्स्ट पार्ट में नाउन दिख रहा है उसे सर्कल करना है और उससे रिलेटेड प्रोनाउन जो नेक्स्ट लाइन में है उसे अंडरलाइन करना है. ऑल राइट, आई हैव डन फोर फॉर यू. रिमेनिंग यू विल डू इन योर होमवर्क एंड सेंड टू मी. इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क इट. नाउ चिल्ड्रेन we are going to start reflexive pronoun. All right, the second type of pronoun is reflexive pronoun. A very very easy way to understand reflexive pronoun is the use of word self. जिसमें भी self word आता है, my self, मैं खुद कर लूंगी. ठीक है, our self, हम खुद कर लेंगे. your self, तुम खुद कर लो. ठीक है, हिमसेल्फ. जब भी सेल्फ लग जाता है प्रोनाउन के साथ इट बिकम्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ.
द कैट है तो कैट के लिए इट होता है इट सेल्फ, वी विल वी है तो आर सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, बोथ ऑफ यू है तो योर सेल्फ। सो जो भी प्रोनाउन वहां पर आना होता है उसके साथ जब सेल्फ लग जाता है इट बिकम्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सो इजी। ऑलराइट, सो वी आर कमिंग डायरेक्टली टू द एक्सरसाइज, इट्स पेज नंबर 25, एफ पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको यहाँ पे सही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। द वुमेन इंजॉयड डैश एट द फंक्शन, तो वुमेन के लिए क्या आएगा, वैसे तो वुमेन एक गर्ल है, हर सेल्फ आना चाहिए, पर ये विमेन है यानी प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, उन सब विमेन ने एंजॉय किया, तो विमेन के लिए देम, देम विल बिकम देमसेल्व्स, जब प्लूरल होगा तो वीईएस और सिंगुलर होगा तो एफ। ऑलराइट, विमेन थे ना, ज्यादा लोग थे तो देमसेल्व्स, ठीक है। मयंक वेंट देयर ऑल बाय, बॉय है तो हिमसेल्फ, बॉय के लिए हिम होता है प्रोनाउन, एंड यू विल पुट एस सेल्फ ऑल्सो, रिफ्लेक्सिव है तो सेल्फ आएगा ही आएगा। आई पेंटेड दिस पिक्चर बाय डैश, आई है तो माई सेल्फ, माई सेल्फ। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द मैथ प्रॉब्लम बाय डैश, ही है तो हिम सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ। द स्टूडेंट्स इंजॉयड डैश एट द पार्टी, स्टूडेंट ज्यादा लोग है तो क्या बताया था, themselves, ज्यादा है तो selves हो जाता है, themselves। we cook the food, we, हम के लिए क्या यूज होता है, ourselves, ourselves। he wrote the application all by, he के साथ him, himself। boys you will line dash up, you के साथ yourself, अब क्योंकि बॉयज है तो योर सेल्फ, और एक बॉय होता तो योर सेल्फ। ऑलराइट, द थीव्स हिड डैश बिहाइंड द वॉल, थीव्स है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो देमसेल्व्स। ही ड्राइड डैश विद द टॉवल, ही है तो हिमसेल्फ। माय फ्रेंड्स ज्यादा है, इंट्रोड्यूस्ड डैश टू माई पेरेंट्स, तो ज्यादा लोग है क्या लिखेंगे, themselves, अगर ज्यादा में हम भी मैं भी होंगी तो ourselves, वो वी बन जाता है। शी ऑलवेज लुक्स एट डैश इन द मिरर, शी है तो herself। I learn to play the piano by, I के लिए myself। They cooked for, they के साथ themselves। Tina's pet dog walked home by, pet dog के लिए, pet के लिए it होता है तो animal के लिए it, itself। It's easy, जो भी pronoun उनके लिए use होता है उसके साथ self लगा देंगे तो वो reflexive pronoun बन जाता है। Is it clear children? So you have to do this in your book and the homework that I've given you, you have to complete it and send it to me. All right? Bye-bye.